फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट वुमेन, जहां मैं बात करती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल के बारे में। सो फ्रेंड, आज का जो हॉल वीडियो है ये है H&M का। तो H&M से मैंने क्या क्या परचेज किया है विंटर में के लिए और क्या क्या वहां नया था वो मैं आपको दिखाऊंगी, और मैंने क्या क्या ट्राई किया, शायद मैंने कुछ कुछ क्लिप बनाई थी उस टाइम पे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगी, होप सो। तो इस बार का जो H&M का हॉल है ना, पहले मैं डिसाइड करके गई थी कि मेरे को वैसे वाले कपड़े लेने हैं जो मैं ज्यादा बार रिपीट करके पहन पाऊं, क्योंकि आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम जरूर होती होगी जब हमें कहीं जाना होता है और हम सोचते हैं कि चलो तैयार होते हैं या रेडी कहीं जाने के लिए, या कुछ चार कपड़े आपको बैग में रखने कि हाँ चलो आप ट्रैवल के लिए निकल रहे हैं, घूमते फिरते हैं, उस टाइम पे कपड़े नहीं होते हैं हमारे पास। और आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम लोग इतने ज्यादा कपड़ा दिखाते हैं पहनते हैं, तो मतलब हमारे पास तो बहुत सारा कपड़ा होता होगा, आपके पास चाहे जितना भी कपड़ा हो लेकिन जब आपको पहनने जाओगे ना कोई कपड़ा नहीं मिलता है, क्योंकि पहन चुके होते हैं या फिर पता नहीं क्या होता है प्रॉब्लम। मेरे को भी ये प्रॉब्लम होता है कि जब मैं पहनने जाती हूँ मुझे लगता है नहीं मैं इस बार नहीं पहन सकती, कुछ दिन पहले पहना था, बाद में पहना था, कुछ दिमाग में चलते रहता है मेरे। तो मैंने ये सोच के इस बार H&M की शॉपिंग की है कि जो मैं बार बार रिपीट करूं एंड पहनूं बेसिकली। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। यार इन स्वेटर्स को क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, क्या नाम है आई डोंट नो, लेकिन ये पूरी तरह ना ही क्रॉप होते हैं और ये देख सकते हो इनके जो शोल्डर्स होते हैं ना कुछ इस तरह से गिरे हुए होते हैं, और ये इनका पैटर्न है जो देखने में बहुत ज्यादा क्लासी लग रहा है। रियली ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। आप देख सकते हो ये जो इनका पैटर्न है कुछ इस तरह से है, पीछे की तरफ पूरा ब्लैक है इस तरह से, एंड ये थोड़ा सा टर्टल नेक टाइप का यहाँ जितना मैंने पहना हुआ है अभी उतना ही आ रहा था। एंड इसका जो प्राइस है फ्रेंड 1499 है, बट मुझे 20% डिस्काउंट पे ये मिला है, तो अभी ब्लैक फ्राइडे सेल आया हुआ था तो इस पे ही मैंने परचेज किया है। एंड यू कैन सी कि मैंने ट्रायल में यहाँ पर पिंक कलर की लिपस्टिक भी लगा दी है अभी देखा मैंने, एंड ये मैं जो कि मुझे लगता है ये मैं बहुत बार पहनने वाली हूँ क्योंकि सच में बहुत मन से लिया है इसे। एंड सेकेंड वन जो है फ्रेंड वो ये एक मस्टर्ड एंड ब्लैक कलर का लिया है, यू कैन सी इसका जो पैटर्न है कुछ इस तरह से है, इसका नेक का भी सेम वैसा है फर्स्ट वन की तरह, एंड इसका शोल्डर भी फर्स्ट वन की तरह है, मतलब स्टाइलिंग जो है ना फर्स्ट वन की जो है वही है, और बट इसका थोड़ा मतलब जो इसमें आप देख रहे थे डायमंड शेप में है, तो ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न का कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। एंड पीछे से इसमें भी फ्रेंड ये प्लेन येलो में है, इसको मैं आपको ये बोलूंगी ये वाला पीस तब खरीदने अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हो या फिर न्यू चीजें में एक्सप्लोर करना चाहते हो, तब ये वाली चीज में जाना। वी नेक में एक हाफ स्वेटर है, ऐसे क्रॉप टॉप की तरह भी आप यूज कर सकते हो। आजकल क्या हो रहा है कि फुल शर्ट पे इस तरह का ऊपर से पहन लो तो वो भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने ये सोच के ये लिया है। एंड अदरवाइज ये लुक वाइज ये मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, एंड मैं इसके बाद सूट करती हूँ कि पहनने के बाद ये सब कैसे लग रहे हैं। सो फ्रेंड होप सो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।